महेंद्रगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का 30 मार्च को महेंद्रगढ़ का दौरा है। अपने इस दौरे के दौरान वह महेंद्रगढ़ में ताऊ देवीलाल के पार्क का शिलान्यास करेंगे। साथ ही इस दौरान पार्क में उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की अदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। डिप्टी सीएम के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन जहाँ 3 दिन तैयारियों में जुटा है, वहीं क्षेत्र की समाजी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके इस दौरे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम पहले 148 बी स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य का शुभारंभ करें, बाद में पार्क का निर्माण करें। मोहिंदरगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। यादव है, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो ये सड़क है नारनौल से और चरखी दादरी की जिले की सीमा तक, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। पिछले 2 साल में कम से कम 200-250 लोगों की जो है ना सड़क दुर्घटना में जान जा चुकी है, और इस सड़क के लिए हमने समय समय पर हम रिक्वेस्ट करते हैं स्थानीय प्रशासन से, चीफ मिनिस्टर साहब से, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से। जैसे ही हमें पता लगा कि दुष्यंत चौटाला जी महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं चौधरी देवीलाल पार्क की आधारशिला रखने के लिए, चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, हमने 26 तारीख से ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि दुष्यंत चौटाला जब तक 148 बी का उद्घाटन नहीं करेंगे, आपका महेंद्रगढ़ में स्वागत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम काले झंडे दिखाएंगे और जितना विरोध हमसे हो सकेगा हम डट करके आपका विरोध करेंगे, क्योंकि विरोध करना हमारा अधिकार है। आप ये जो एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में जो घूमते हो ना, ये हमारे पैसे से घूमते हो, ये पब्लिक का पैसा है, क्यों हमें जीने का अधिकार नहीं है? 250 से ज़्यादा लोग जो है इस सड़क दुर्घटना में, इस रोड की दुर्दशा की वजह से जान गंवा चुके, तो जीने का अधिकार तो महेंद्रगढ़ के लोगों को भी है। तो हमारा निवेदन है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं। आप लगातार ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, राहुल इंद्रजीत को क्या है आपने, दुष्यंत चौटाला जी को क्या है, किस किस के मंत्रियों को क्या है? देखिए जी, हमारा ये जो कार्यक्रम है ये अराजनीतिक है। हमने विपक्ष के लोगों को भी ट्वीट किया है, राव नरेंद्र सिंह, राव दान सिंह, श्रुति चौधरी और जो किरण चौधरी, भाई आपको हम वोट क्यों दें अगली बार, हम विपक्ष भी कोई नया चुन लेंगे। जब आप इस मामले में आकर के हमारे लिए जो हमारे साथ नहीं खड़े होते, राव साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने आज गोवा के सीएम को ट्वीट किया, बधाई दी हुई है, हमने लिखा कि राव साहब आपको गोवा का सीएम दिखाई दिया, आपको महेंद्रगढ़ दिखाई नहीं दिया, जो आपके एक इशारे पर हम राजनीति को पलट देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, तो कृपा करके आप हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। नहीं, ये रोड नहीं बनाया जा रहा जी, ये तो मतलब हमारे जख्मों पर जो है नमक छिड़का जा रहा है एक तरह से, कि कुछ नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत होगी थोड़ा सा तारकोल डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, इसको लेवल करेंगे, 2 दिन बाद तुम वैसे ही भुगतोगे। कई सामाजिक संस्थाओं ने धरना दिया है, खून से पत्र भी लिखे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, और पीछे भी 2 हफ्ते पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था यहाँ, कुछ राजनीतिक लोग या सामाजिक संस्थाओं के लोग थे, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। हर बार हम यही सुनते हैं, लोग विधानसभा में ये मामला उठता है, हर बार यही सुनते हैं जल्द बनाएंगे। जिस तरीके का महंगाई बढ़ रही है, तेल बढ़ रही है, किचन का काम बढ़ रहा है, उसको हम कैसे देखें? देखो जी, महंगाई के बारे में तो सभी को पता है, ये आम आदमी को बहुत प्रभावित करती है, लेकिन हमारा फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमारा सारा फोकस है 148 बी पर। उप मुख्यमंत्री जी जब तक 148 बी का उद्घाटन नहीं करेंगे, हम महेंद्रगढ़ में उनका विरोध करेंगे। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं खातोदड़ा गांव से हूँ, ये मेरी नज़दीकी दुकान है। क्या कहना, किसके बारे में? रोड के बारे में। रोड के बारे में देखा, पिछले 10 साल हो गए इस रोड की, इतनी हालात ख़राब है कि यहाँ चल रहे जो यहाँ लोग बैठते हैं ना, यहाँ से पीछे 200 मीटर तक दूर जाती है, जो रेजिडेंस है ना, ये रोड के साथ पीछे 200 मीटर तक इतनी दूर जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते। उन जो बच्चे भी रहते हैं, स्टूडेंट भी रहते हैं, बाहर के लोग भी रहते हैं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो ये इस पर 10 mm की कारपेट करें, कारपेट भी वहाँ करें जहाँ टूटा हुआ रोड है, जो रोड बीच में देखो थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ, हर जगह टूटा हुआ है, पर जहाँ पूरा टूटा हुआ, जहाँ से धूल उड़ रही है उस पर कारपेट करें। भाई माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके लिए तो धूल नहीं लगे, उनको उनकी गाड़ी में है ना, उनको हिचकोले नहीं लगे, इसलिए इस रोड पर काम चल रहा है। सरकार के पास अब पैसा कहाँ से आएगा? मैं तो विभाग से पूछना चाहता हूँ कि विभाग के पास अब पैसा कहाँ से आएगा? अब उनके पास कोई एस्टीमेट है या उसका पास पैसा है, या उनके पास ऑलरेडी पहले ही टेंडर हुआ था, या टेंडर
के साथ काम करें या टेंडर के बगैर काम करें, ये भी एक सोचने का विषय है कि जब उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो ये काम करें, विभाग काम कर रहा है, पब्लिक परेशान थी तब उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्या इसका टेंडर है? BNR से आपको पूछना चाहिए, एक्शन कार्यकारी अभियंता से, EIC से पूछना चाहिए क्या इसका टेंडर हुआ है। यदि टेंडर नहीं हुआ तो काम किस वजह से हो रहा है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? क्या युद्ध हो रहा था? या युद्ध हो रहा था कि उसके लिए इमरजेंसी रोड के लिए चाहिए था? गवर्नर सर चले गए, या गवर्नर चला गया? इसी रोड से गवर्नर भी चले गए जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ऊपर ऊपर से चले गए। पब्लिक के लिए करना, एक आदमी जब गाड़ी में बंद शीशे में जाएगा जी, वो उप मुख्यमंत्री, देखो जी दुष्यंत चौटाला जी आए, उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। चौधरी देवीलाल जी जन सभी के नेता थे, वो तो 36 बरादरी के नेता थे, उन जैसा तो नेता हरियाणा में कोई नहीं है। मैं तो किसी से उसका तुलना करना बेकार है। बाकी दुष्यंत चौटाला जी आए उनका स्वागत है, चौधरी देवीलाल जी के पार्क बनाए उनका भी स्वागत है। पार्क के साथ साथ रोड भी तो जरूरी है, आदमी की मेन सुविधा, मूलभूत सुविधा है तो स्वास्थ्य और रोड ही है ना। हमारे यहाँ तो रोड तो है ही नहीं, स्वास्थ्य, हमारे मेडिकल कॉलेज बनना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको उठा के नारों लेके चले गए। खट्टर साहब, ये सरकार थी, पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा कर रखी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसको उठा के नारोल ले गए, वो तो राजस्थान की तरफ चले गए। यहाँ चले गए तो दादरी को भी तो फायदा होता ना, दादरी भी तो नज़दीक था। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता तो महेंद्रगढ़ का सेंटर भी होता, दादरी भी आ जाता, भिवानी के लोग भी आ जाते, क्योंकि हमारे लोग या तो जयपुर जाते हैं, रोहतक नहीं जाते, जयपुर की तरफ भागते, तो एक स्थान मिल जाता है नज़दीक से, नज़दीक कोई आदमी आता। अब इस रोड पर, टूटे हुए रोड पर हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, तो कैजुअल्टी के लिए कोई आदमी जयपुर जाता है, कोई गुड़गांव जाता है, कोई रोहतक जाता है, वो यहीं काम आ जाता है ना। इस रोड के बारे में चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, और पार्क बने, पार्क घूमने के काम आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, आप जाओगे कैसे? इस रोड पर तो हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के लोग जाते हैं इस रोड से, ट्रैफिक इसी रोड पर है, काम नहीं होता। अब ये 10 mm का कारपेट डाल रहा है, ये 3 दिन में चला जाएगा, 3 या 4 दिन में उड़ जाएगा, यदि हल्की सी बारिश हो जाएगी तो चला जाएगा। इन लोगों को क्या, इन दुकानदारों को क्या दिक्कत? दुकान वालों ने शीशे लगा रखे, शीशे के अंदर भी है ना धूल चली जाती है, शाम को कम से कम 1-1 इंच धूल जमी जाती है, और रात को शटर बंद करके चले जाते हैं, फिर भी सुबह उठते 2-2 इंच की बारीक धूल जो अंदर चली जाती है। धूल होना एक अलग बात है, आंधी आ जाए, धूल आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ये जो बारीक धूल आती है ना, जो टायरों की जो धूल आती है, ये बड़ी खतरनाक होती है। कल उप मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आ रहे हैं, और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुछ लोगों की ये भी मांग थी कि पहले 148 बी हाईवे को दुरुस्त किया जाए, फिर मुख्यमंत्री ऐसा। सर ये प्रोसेस बहुत दिनों से चला हुआ है, जो रोड की बात कर रहे हो, ये हमारी पुरानी मांग है, इलाके की बहुत ज़रूरत भी है। इस पर आपको बताना चाहता हूँ, टेंडर हो चुका है, टेक्निकल हो चुका है, जल्दी ही 2-4-5-10 दिन में काम शुरू होने वाला है। परंतु कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, यहाँ चंद लोग, जो कोई कार्यक्रम हो, विकास का काम हो या और कोई काम हो, कोई CM आए, डिप्टी CM आए, तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बात उठाते हैं। दुष्यंत चौटाला जी का काम मकसद सिर्फ एक है कि पूरा महेंद्रगढ़ नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश में विकास की गति चलाने का काम किया है, वो आप कल देखने को मिलेगा। इसलिए मैं उन साथियों से अपील करता हूँ, इस पर राजनीति ना खोजें, हमारा सहयोग करें। इस महेंद्रगढ़ में एक ज़रूरत थी, जो रोड की जरूरत भी है और दूसरी मांग है, उस मांग को हम डिप्टी CM साहब के सामने रखेंगे, हमारा सहयोग करने का काम करें, पर राजनीति ना करें, ये मेरी लोगों से अपील है। कल उप मुख्यमंत्री जी के क्या कार्यक्रम रहेंगे? डिप्टी CM साहब के कल हमारा पहला तो चौधरी देवलाल की मूर्ति का अनावरण होगा, यहाँ देखना आप आने वाले समय में भव्य पार्क बनने जा रहा है, जो इस महेंद्रगढ़ के इतिहास में आज तक किसी ने भी ऐसा काम करने का काम नहीं किया है, इस भव्य इलाके के लिए, पूरे महेंद्रगढ़ के लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। उसके बाद हमारे डिप्टी CM साहब सोनी स्वर्ण समाज की जो धर्मशाला है उसका भी शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद 3 बजे नारोल में अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने का काम करेंगे, और इस महेंद्रगढ़ के लिए एक नई सौगात देकर जाएंगे, ये मेरे उनसे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, हम उनसे मांग